दूसरा इतिहास अध्याय 21 कुलपद 20। अंत में यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। उसके भाई ये थे जो यहोशापात के पुत्र थे, अर्थात अजरिया, यहियेल, जकरिया, अजरिया, मिकाइल और शपत्या। ये सब इसराइल के राजा यहोशापात के पुत्र थे। उनके पिता ने उन्हें चांदी, सोना और अनमोल वस्तुएं और बड़े बड़े दान और यहूदा में गढ़वाले नगर दिए थे, परंतु यहोराम को उसने राज्य दे दिया क्योंकि वह जेठा था। जब यहोराम अपने पिता के राज्य पर नियुक्त हुआ और बलवंत भी हो गया, तब उसने अपने सब भाइयों को और इसराइल के कुछ हाकिमों को भी तलवार से घात किया। जब यहोराम राजा हुआ तब वह 32 वर्ष का था और वह 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। वह इसराइल के राजाओं की सी चाल चला जैसे आहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी पत्नी आहाब की बेटी थी। वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी यहोवा ने दाऊद के घराने को नष्ट करना ना चाहा। यह उस वाचा के कारण था जो उसने दाऊद से बांधी थी, उस वचन के अनुसार था जो उसने उसको दिया था कि मैं ऐसा करूंगा कि तेरा और तेरे वंश का दीपक कभी ना बुझेगा। उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपने ऊपर एक राजा बना लिया। तब यहोराम अपने हाकिमों और अपने सब रथों को साथ लेकर उधर गया और रथों के प्रधानों को मारा। यूं एदोम यहूदा के वश से छूट गया और आज तक वैसा ही है। उसी समय लिब्ना ने भी उसकी अधीनता छोड़ दी। यह इस कारण हुआ कि उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। उसने यहूदा के पहाड़ों पर ऊंचे स्थान बनाए और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया और यहूदा को बहका दिया। तब एलिया नबी का एक पत्र उसके पास आया, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने जो ना तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला है और ना यहूदा के राजा आसा की लीक पर, परन इसराइल के राजाओं की लीक पर चला है और आहाब के घराने के समान यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया है और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे घात किया है। इस कारण यहोवा तेरी प्रजा, पुत्रों, स्त्रियों और सारी संपत्ति को बड़ी मार से मारेगा। तू अंतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा, यहां तक कि उस रोग के कारण तेरी अंतड़ियां प्रतिदिन निकलती जाएंगी। तब यहोवा ने पलिश्तियों को और कूशियों के पास रहने वाले अरबियों को यहोराम के विरुद्ध उभारा। वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े और राजभवन में जितने संपत्ति मिली उस सबको और राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गए, यहां तक कि उसके छोटे बेटे यहोआज को छोड़ उसके पास कोई भी पुत्र ना रहा। इन सब के बाद यहोवा ने उसे अंतड़ियों के असाध्य रोग से पीड़ित कर दिया। कुछ समय के बाद अर्थात 2 वर्ष के अंत में उस रोग के कारण उसकी अंतड़ियां निकल पड़ी और वह अत्यंत पीड़ित होकर मर गया। उसकी प्रजा ने जैसे उसके पुरखाओं के लिए सुगंध द्रव जलाया था, वैसा उसके लिए कुछ ना जलाया। वह जब राज्य करने लगा तब 32 वर्ष का था और यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज्य करता रहा और सबको अप्रिय होकर जाता रहा। उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं।